गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिजिक्स सेकेंड पार्ट, 12th क्लास फिजिक्स सेकेंड पार्ट, रे ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी 12th क्लास फिजिक्स सेकेंड पार्ट 9 चैप्टर, उसमें जो पहला यानी फर्स्ट जो है, यानी सीरियल नंबर में 9 है, लेकिन सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रे ऑप्टिक्स। ठीक, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक, उसी में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी वही है, उसी में है। तो रे ऑप्टिक्स का जो पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, उसमें उसका लॉज भी है ना, और फिर स्फेरिकल मिरर। तो देखिए, तो उसमें इसको समझने के लिए आप स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। और वैसे ये चैप्टर जो है वो 10th क्लास से रिलेटेड है, यानी छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है ना, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नया है। ठीक, तो स्टार्ट में वही सब कुछ है जो आपने पीछे पढ़ा भी है। तो इसमें सबसे पहले आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वैसे बात करें चैप्टर की, तो चैप्टर 9 है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना। तो रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला टॉपिक जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोग पढ़ चुके हैं, कोई भी लाइट रेज किसी शाइनिंग सरफेस पर जब स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक के बाद उसी मीडियम में क्या होती है, रिटर्न हो जाती है। ये ऐसे व्हेन लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम एनी मीडियम एंड स्ट्राइक्स ऑन ए शाइनिंग सरफेस, इट रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम। जब कोई लाइट रेज किसी मीडियम से चलकर किसी शाइनिंग सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो उससे स्ट्राइक के बाद रिटर्न होके उसी मीडियम में, उसी पाथ पर, मत बोलिए, उसी मीडियम में रिटर्न होती है। और इस फेनोमेना को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन। जो लाइट रेज शाइनिंग सरफेस की टूवर्ड आ रही होती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो रिटर्न होती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और जहाँ पर मीट होती है वहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और वहाँ पर एक ड्रा नॉर्मल ड्रा कर दिया जाए तो वो नॉर्मल होगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ड्रा करने पर। ठीक, व्हेन लाइट रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए मीडियम एंड स्ट्राइक्स ऑन ए शाइनिंग सरफेस, इट रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द लाइट रेज इन कमिंग टूवर्ड द शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड लाइट विच रिटर्न्स बैक टू द मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड, पॉइंट वेयर मीट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, व्हेन लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम ए मीडियम फ्रॉम एनी मीडियम एंड स्ट्राइक्स ऑन ए शाइनिंग सरफेस, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एनी मीडियम एंड स्ट्राइक्स ऑन ए शाइनिंग सरफेस, इट रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम लिखिएगा, इट रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम, दिस फेनोमेनन This phenomenon is called reflection of light। ये
व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एनी मीडियम एंड स्ट्राइक्स ऑन ए शाइनिंग सरफेस इट रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम. सेम पाथ मत बोलिए. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये डायग्राम हमने बना दिया. इसमें पी क्यू क्या है? इंसिडेंट रे. क्यू आर जो है वो क्या है? रिफ्लेक्टेड रे. क्यू क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और क्यू एन क्या है? नॉर्मल. और एंगल पी क्यू एन जो है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. एन क्यू आर जो है वो आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये ठीक है ना. व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एनी मीडियम एंड स्ट्राइक्स ऑन ए शाइनिंग सरफेस इट रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये भी कह सकते हो द लाइट इज कमिंग टूवर्ड द सरफेस इंसिडेंट. द लाइट रे रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम रिफ्लेक्टेड रे. इसी में सब लिख दो. अब क्या अलग से लिखने की जरूरत है ना. सब तो कह दिया. पी क्यू इंसिडेंट रे, क्यू आर रिफ्लेक्टेड रे, क्यू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्यू आर नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन जो है वो टू टाइप्स का भी होता है. एक होता है ये रिफ्लेक्शन टू टाइप्स का होता है. उसमें से एक होता है रेगुलर और एक होता है नॉन रेगुलर, है ना. टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन तो एक होता है रेगुलर और एक होता है नॉन रेगुलर. रेगुलर वाले में ये होता है कि ये सरफेस जो होता है वो कैसा होता है? प्लेन सरफेस होता है. और इसमें लाइट रेज सब एक सर्टेन डायरेक्शन में जाती हैं. और ये इंसिडेंट यदि पैरेलल है तो ये भी क्या होती हैं? पैरेलल. और इसमें जो सरफेस होता है वो रफ होता है. कैसा होता है? रफ होता है. और इसमें जो लाइट रेज होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं. इसका जो सरफेस होता है रफ. लिखवाना बहुत ज़रूरी नहीं है. ये जान लो रेगुलर नॉन रेगुलर इरेगुलर भी बोलते हैं. इसमें लाइट रेज क्या होती हैं? किस पर स्ट्राइक करेंगी? साइन प्लेन सरफेस पर. और इसमें जो लाइट रेज होंगे रफ सरफेस पर. इसमें पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, इसमें डिफरेंट डायरेक्शन में. इसमें इंसिडेंट पैरेलल तो रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल. और इसमें ये भले पैरेलल लेकिन ये पैरेलल नहीं होती है. ये डिफरेंस है, ठीक है ना. फिर आ जाता है इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट नॉर्मल. ये तीनों की तो उन्हें एक पॉइंट पर होते हैं. ये पहला लॉ है. और दूसरा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल होते हैं. क्या कहा हमने? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन या सेम पॉइंट. और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये ठीक है ना. तो टू लॉज में पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, चाहे पॉइंट कह दो. सेकेंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज
ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज आई इक्वल टू आर। ये ठीक है, ये बता दें, मान लीजिए इसमें आई और आई आई यदि कोई कह दे कि आई जीरो है तो आर कितना होगा, जीरो होगा। यदि मान लीजिए रिफ्लेक्ट यदि मान लीजिए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर हैं, हैं नोट की बात करें, नोट इफ है इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टेड रे देन I इक्वल टू 45, R इक्वल टू 45 होगा कि नहीं। इफ इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टेड रे, यदि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, है ना, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टेड रे, तो I इक्वल टू 45 ये। और यदि सरफेस पर इंसिडेंट परपेंडिकुलर है सरफेस पर, तो I इफ है इफ इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस इफ इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस देन आई इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू भी जीरो, यानी दैट इज टू द सेम पाथ। यदि लाइट रेज राइट रिटर्न्स बैक टू द सेम पाथ, यदि परपेंडिकुलर यहाँ आएगी तो उसी रास्ते से लौटेगी भी, ठीक है ना। ये होता है इसके बाद इसमें ये बता दें, स्फेरिकल मिरर, मिरर किसको कहा जाता है, मिरर उसको कहा जाता है जो लाइट रेज को रेगुलरली रिफ्लेक्ट करता है। जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन दो तरीके से होता है, एक रेगुलर है एक नॉन रेगुलर। तो जिस किसी से लाइट का रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं मिरर। जिस लाइट से क्या होता है किसी का रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसको कहा जाता है मिरर। अब मिरर में आपको स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। देखिए मान लीजिए अब यहाँ स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे हम, है ना, स्फेरिकल मिरर। मिरर जानते हैं, हमने कह दिया कि जिससे लाइट का रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसको इस मिरर कहते हैं, और उस मिरर का टाइप में स्फेरिकल मिरर। मान लो ये ग्लास का एक स्फेयर है, होलो स्फेयर, ये क्या है, ग्लास का एक होलो स्फेयर है, समझना है, सब छपवाना नहीं है हमको इसमें, है ना। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक ग्लास का एक स्फेयर है होलो स्फेयर, इसके इतने पार्ट को हमने कट करके अलग किया, ये रहा, इसको कट करके अलग किया और उसके एक साइड पर पॉलिश कर दिए। ऐसा कोई कहेगा सर ऐसा नहीं हो सकता कि इधर पॉलिश कर लीजिए इधर है कर दिए, दोनों तो ऐसा तो हो सकता है ना। तो क्या हुआ, ये ग्लास का एक स्फेयर है होलो स्फेयर, उसके पार्ट को हम कट करके उसके एक साइड पर पॉलिश कर दिए। जब एक साइड पर पॉलिश कर देते हैं तो दूसरे साइड से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो इसमें जब इधर पॉलिश कर देंगे तो इधर रिफ्लेक्शन होगा, और इसमें इधर पॉलिश किए तो इधर रिफ्लेक्शन होगा। तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा रहेगा ये, तो उसको बोलते हैं कॉनकेव, और उठा रहेगा तो कॉनवेक्स। यानी स्फेरिकल मिरर का ये टाइप में ये आता है तो इसको कॉनकेव बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कॉनवेक्स, है ना। इसी को हम यहीं पर बनाए रखें, मान लो लीजिए, ठीक है ना ये। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट यानी ये सब समझते चलो, इसी में
रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट जो है उसको बोलते हैं पोल। क्या कहेंगे इसको, क्या कहा जाता है? पोल। ये क्या है? पोल है। फिर ये बता दें, ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर से बना है, सोचिए स्फेयर से बना है, कोई इसका सेंटर होगा कि नहीं? होगा। जो इस स्फेयर का सेंटर होगा वही इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की ज्वाइंट का डिस्टेंस जो होगा उसको बोलते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और सी और पी के बीच में जो पॉइंट होगा उसको बोलते हैं फोकस। इसको क्या बोलते हैं? फोकस। और ये और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या क्या कहा हमने कि ये ग्लास का एक होलो स्फीयर है और उस होलो स्फीयर का जो कट करके एक साइड में पॉलिश कर दिए तो वो बन गया क्या? मिरर। अब एक साइड में पॉलिश करेंगे तो यदि आउटर साइड में कर देंगे तो इधर से रिफ्लेक्शन होगा, और यदि इधर साइड में कर देंगे तो उधर से रिफ्लेक्शन होगा। इसी को आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, यही इसी को ऐसे करके, ये ठीक है ना। तो क्या होगा, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। अब इस जिस साइड से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसका सेंटर पॉइंट जो होता है पोल। जो स्फीयर से जिस स्फीयर से मिरर बनाया गया है उसका सेंटर जो होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सेंटर और पोल के सेंटर पॉइंट को बोलते हैं फोकस। अब फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ है। और ये जो ज्वाइनिंग लाइन होती है, ये ज्वाइनिंग लाइन जो होगी इसको कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ठीक है। अब उसी में बहुत भीड़ हो गई, अलग से देख लो। ये रहा, ये है स्फेरिकल मिरर, इसमें पी पोल या फोकस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये स्मॉल एफ और ये आर, ये ठीक है। यानी पी क्या है? पोल है। एफ क्या है? फोकस है। आर क्या है? सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एफ क्या है? फोकल लेंथ, ठीक है ना। ये और ये लाइन जो है इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन ज्वाइनिंग पी एंड सी, ठीक है ना। ये पी और सी की ज्वाइनिंग लाइन जो होती है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने क्या कहा, मिरर किसको कहते हैं? जिससे लाइट का रेगुलर रिफ्लेक्शन होता हो मिरर होता है। मिरर जो है एक प्लेन मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, पैराबोलिक होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पैराबोला हो, और स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो। हमने ये स्फेरिकल मिरर के बताया कि एक ग्लास का स्फेयर है और उस ग्लास के स्फेयर का एक पार्ट को कट कर लो, एक कटोरी मान लो, कटोरी टाइप का बन गया, उसके एक साइड में पॉलिश कर दो। इधर पॉलिश करेंगे तो इधर से लाइट रिफ्लेक्ट होगा और इधर पॉलिश करेंगे तो उधर से रिफ्लेक्ट होगा। तो इस टाइप का है तो कॉनकेव, इस टाइप का है तो कॉन्वेक्स। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको पोल बोलते हैं, और जिससे जिस स्फीयर से बना है उसके सेंटर को इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब पोल और सेंटर के बीच का डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी और सी का सेंटर पॉइंट फोकस,
फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ है, और पी और सी की ज्वाइनिंग लाइन जो है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये इसके बाद इसमें आपको इमेज फॉर्मेशन रूल, वो नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।